ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है और रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया है। सूर्या कुमार यादव और ईशान किशन को भी टीम में जगह मिली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले 2 मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा 17 सदस्यीय टीम की कप्तानी करेंगे। ईशान किशन को भी बतौर विकेट कीपर पहली बार टेस्ट टीम में जगह मिली है। वही धुरंधर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव भी टेस्ट टीम में शामिल है। बीसीसीआई ने टेस्ट सीरीज के अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे और T20 सीरीज के लिए भी टीम की घोषणा की है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में रोहित शर्मा जबकि T20 सीरीज में हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे। T20 सीरीज के लिए विराट कोहली रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स को शामिल किया गया है।